हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पोएम नंबर फोर दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इट इज़ कम्पोज बाय जॉन कीट्स हु वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थोड़ा सा एक लुक ले लेते हैं इस पोएम के रिगार्डिंग की थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है बेसिकली यहाँ पे जो पोइट हैं जॉन कीट्स वो नेचर लवर हैं रोमांटिक पोइट हैं रोमांटिक पोइट ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे लवर और लवर्स uh, की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ऐसा नहीं है हियर ही इज टॉकिंग अबाउट आ, नेचर ओके तो नेचर की कोई भी चीज़ क्या है आ, एक ऐसी चीज़ है एक तो हमेशा रहने वाली है आप देख लीजिए सन मून वाटर ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं नेचर ने अवेलेबल कराई हैं हम लोगों को है ना? और ये हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी भी तो दूसरी चीज़ ये कि आ, ये जो पोएम है आपके सिलेबस में ये जॉन कीट्स की एक आ, एपिक पोएम थी एंडीमियन उसका एक पार्ट है यहां पे ठीक है तो चलिए पोएम की तरफ चलते हैं और आई एम गिविंग यू दिस श्योरिटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं बचेगी जो आपको क्रिस्टल क्लियर ना हो पहले इस पोएम की सारी लाइन्स uh, को सारे स्टेंजार्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे देन वी विल डिस्कस द्वेश्चन्स दोज आर बिलो दिस पोएम जो इस पोएम के नीचे दिए उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है लेट्स मूव फर्दर तो बच्चों देखो पहले लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर सी सिंपल सी बात है सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमेशा आनंद देती है बिल्कुल ठीक है हमेशा आनंद देती है एक चीज तो हम जो आज की ह्यूमैनिटी है वो मानती है कि अगर आपको कोई चीज कुछ टाइम के लिए अच्छी लग गई तो आप क्या मान लो गे बहुत सुंदर है है ना वो कुछ टाइम का आपको आनंद देती है लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या हो जाते हो उससे बोर हो जाते हो बट नेचर इज नॉट सच अ काइंड ऑफ थिंग नेचर उस तरीके की चीज नहीं है ठीक है तो यहां जो पॉइंट है जॉन गेट्स वो बेसिकली नेचर की बात कर रहे हैं और आगे देखिए वो क्या कहते हैं और हमें अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी से जो हमें अच्छी लगती है उनके अकॉर्डिंग हम इस पोएम को कंप्लीट नहीं कर सकते वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो उन्होंने लिखा है हमें उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा अपनी ओपिनियन बनानी पड़ेगी और पोएम को कंप्लीट करना पड़ेगा सो लेट्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय एवर्क इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस इट सीधी सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमेशा जॉय देती है और इसकी जो लवलीनेस होती है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस कभी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होती कभी खत्म नहीं होती नथिंगनेस मीन्स कभी एंड नहीं होता उसका इट ऑलवेज इंक्रीजेज विद इन द पासिंग ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता है गुजरता है आगे जाता है ब्यूटी नेचर की बढ़ती ही जाती है आगे देखिए बट विल कीप अबावर क्वाइट अस और आगे क्या बोलते हैं वो इस नेचर को या हम ये कहें कि uh, इसको कंपेयर किया है इन्होंने इस ब्यूटी को कंपेयर किया है बावर से बावर का मतलब क्या होता है बच्चों बावर का मतलब होता है पेड़ की छाया आप कह सकते हो ठीक है तो पेड़ की छाया से कंपेयर वो करते हैं बावर क्वाइट को तो आगे बोलते हैं पोइट क्या बोलते हैं कि बट विल कीप अवर क्वाइट फॉर अस और हमारे लिए एक बावर की तरह काम करता है यानी कि ये जो ब्यूटी है हमारे लिए एक पेड़ की छाया की तरह काम करता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं स्लीप ले सकते हैं जैसे पेड़ की छाया में आपको नींद अच्छी आती है वैसे ही किसी चीज़ को देखने के बाद आपको पूरा आनंद आता है आपका माइंड सेट रहता है ठीक है खुश रहते हैं और जब खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें स में चलेंगी नींद भी अच्छी आएगी और सारा कुछ तो यहाँ किस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं देखिए अब बाबा क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स नींद अच्छी आएगी वो, और वो भी कैसी होगी स्वीट ड्रीम्स फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होगी वो नींद एंड हेल्थ और हेल्थ ठीक रहेगा एंड विद इन इट वी विल बी एबल टू क्वाइट ब्रीदिंग्स और हमारी जो ब्रीदिंग्स होगी हो वो भी बिल्कुल सही होगी सही चलेगी तो ये सब कुछ कब पॉसिबल है भाई जब हम नेचर से एसोसिएट रहेंगे जब हम नेचर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे वापस से इस स्टैंड को देख लीजिए सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में कि एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा इंजॉय जॉय देती है हमेशा आनंद देती है इसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती है और विद इन द पासिंग ऑफ पासिंग ऑफ टाइम इट नवल डिक्रीजेस कभी कम नहीं होती है एंड हियर द पॉइट कंपेयर्स द ब्यूटी टू अ बावर एक बावर से यहाँ पे पॉइट उसको कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि एक छाया की तरह है जो हमें जिस छाया में हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं जो नींद कैसी होगी फुल ऑफ ड्रीम्स होगी और ये हमें हेल्दी रख सकती है और हमारी ब्रीदिंग्स को क्वाइट कर सकती है हमारी ब्रीदिंग्स को प्रॉपर रख सकती है आगे देखिए सेकेंड स्टैंड बिल्कुल सिंपल सी लाइंस हैं इसकी और ये पोयम कंसीडर की जाती है कि बहुत ज्यादा टफ है सेकेंड स्टैंड देर फोर ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग अ बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ एंड स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड कंड मेड वी फॉर फॉर आर सर्चिंग देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मैंने बोला देयर फॉर हम लोगों ने पिछली लाइन्स में कंप्लीट किया कि जो ब्यूटी है वो लाइक अ बावर है जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है और हम लोग हेल्दी रहते हैं और Uh, हमारी ब्रीदिंग क्वाइट होती है सांस uh, अच्छे तरीके से हम लोग ले पाते हैं तो आगे पॉइंट बोलते हैं देयर फॉर यानी कि इसलिए ऑन एवरी मोरो मोरो मीन्स मॉर्निंग हर मॉर्निंग वी आर रीदिंग अ फ्लारी बैंड टू अस टू द अर्थ किस तरीके से वो बोलते हैं कि हम लोग रीदिंग कर रहे हैं बेटा रीडिंग का मतलब होता है बुनना या बनाना हम लोग बना रहे हैं हर मॉर्निंग क्या एक फ्लारी बैंड बना रहे हैं आपने देखा होगा बच्चियों के कुछ के सर पे क्या लगा रहता है फ्लॉरी बैंड बना रहता है लगा रहता है तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग फ्लारी बैंड बना रहे हैं अपने आप को नेचर से बांधे रखने के लिए लेकिन क्या हम लोग फ्लारी बैंड बना रहे हैं नो वॉट द पॉइंट हियर वॉन्ट्स टू कन्वे अस ही सेज दैट एवरी मॉर्निंग वी आर रीदिंग अ फ्लारी बैंड का मतलब होता है वी आर एसोसिएटिंग टू द नेचर सुबह से लेके हम लोग शाम तक नेचर से अपने आप को बाइंड रखते हैं अर्थ से अपने आप को बाइंड रखते हैं जैसे कि एक जो फ्लारी बैंड होता है उसमें डिफरेंट फ्लॉर्स कही है या कई सारे फ्लार्स बंधे हुए रहते हैं वैसे ही हमारी लाइफ भी इनसर्कल्ड रहती है किससे नेचर से घिरी हुई रहती है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मून चलिए हम लोग सुबह से शुरुआत करते हैं अर्ली इन सन देन जैसे जैसे शाम होती है फ्लावर्स वाटर कित ट्रीज ठीक है और फ्रूट्स कितनी सारी नेचर की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं तो यहाँ जो पॉइंट हैं वो इसके थ्रू ये बोल रहे हैं कि इसीलिए हर मॉर्निंग हम लोग रीडिंग कर रहे हैं एक फ्लारी बैंड के जैसे अपने आप को नेचर से बांधे रखने के लिए यानी कि हर हर सुबह हम लोग सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं नेचर की चीज़ों को ही यूज करते हैं आगे कहते हैं अभी यहाँ पे जो पॉइंट है इन लाइंस में स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस मैंने यूट्यूब पे और वीडियोस देखे हैं और उनमें इस स्पाइट का मीनिंग पता है क्या बताया जाता है इस स्पाइट का मतलब बताया जाता है स्पाइट जबकि इस स्पाइट का मीनिंग यहाँ पे स्पाइट नहीं है इस स्पाइट का मीनिंग होता है एलो विल क्या होता है बच्चों इल विल यानी कि बुरी भावना ठीक है या फिर इसको आप मेलाइस भी कह सकते हो या फिर इसको आप द्वेष भी कह सकते हो हिंदी में तो यहाँ पे जो पोइट है वो बोलते हैं स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस और डेस्पोंडेंस का मीनिंग होता है डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा अब देखिए जो निराशा की ऑफ दिया हुआ है तो निराशा की स्पाइट जो होती है निराशा का जो स्पाइट होता है निराशा का जो द्वेष होता है देखिए जब कोई किसी से निराश हो जाता है अब निराश तो वो हो गया मान लीजिए कॉमन सी बात पे ही हो गया लेकिन अब वो निराश होने के बाद में उसके अंदर द्वेष आ जाता है कि अब मुझे इससे बदला लेना है ये कितना है ये कितना आगे निकल गया तो ये चीज यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि यहाँ पे इंसान के अंदर कुछ कमियां हैं ठीक है तो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी कि निराशा का जो द्वेश है ठीक है निराशा से पैदा होने वाला जो द्वेश है और फिर उसके अलावा क्या है इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स है यानी कि नोबल नेचर्स की अच्छे गुणों की क्या है इनह्यूमन डर्थ है अमानवीय कमी डर्थ का जो मीनिंग होता है वो होता है लैक लैक का मतलब होता है कमी तो वाप वापस देख लीजिए स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी कि uh, जो uh, निराशा भरा जो द्वेष है स्पाइट है इलविल है वो और दूसरी नोबल नेचर्स की कमी यानी कि अच्छे गुणों की कमी तीसरा ग्लूमी डेज ग्लूमी डेज का मतलब ग्लूमी का मतलब यहां पे क्या है सैड डेज उदास दिन जिनको हम बोलते हैं ठीक है ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डारकंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग जिनकी हम लोग क्या कर रहे हैं सर्चिंग कर रहे हैं जिनको हम ढूंढते रहते हैं खोजते रहते हैं अनहेल्दी और अन ओवर डारकंड वेज से यानी कि अस्वस्थ और ओवर डार्कंड का मतलब आप यहाँ पे अशुभ लगा सकते हो अशुभ या गलत ठीक है अस्वस्थ और अशुभ तरीके से जिन गोल्स को हम लोग खोजते रहते हैं दोज आर द रीजन ऑफ आर ग्लूमी डेज वो ही हमारे उदास दिनों का क्या है रीजन है एक बार फिर से देख लीजिए तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो Uh, कुछ इल जो इंसान के अंदर की जो बैड क्वालिटीज हैं जैसे कि जो कॉजेज uh, हैं किसका सफरिंग्स का और पेन का उनको यहाँ पे पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है तो बोलते हैं कि uh, तो ये ये जो कॉजेज हैं सफरिंग्स और पेन्स के वो क्या क्या बताए हैं पोइट ने यहाँ पे उन्होंने बताए हैं डेस्पोंड स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर उसके बाद कहते हैं ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज ये उन्होंने क्या बताए हैं कॉजेज बताए हैं किस चीज के इंसान की सफरिंग्स के और पेन्स के आगे देखिए आगे पॉइंट बोलते हैं मेड फॉर ये हो गया अभी यहाँ पे जो वर्ड आया है यस यस यहाँ पे बोल के पोइट इस चीज को कंफर्म करते हैं कि यस ये सारी चीजें दुनिया में हैं क्या क्या है डेस्पोंडेंस है निराशा है अच्छे गुणों की कमी है ग्लूमी डेज हैं और अनहेल्दी और ओवर डार्कंड वेज हैं जिनकी हम लोग हमेशा सर्च करते हैं एंड दीज ऑल द थिंग्स आर द कॉज ऑफ आर सफरिंग्स एंड सोरोज और ये ही हमारे सफरिंग्स और सोरोज का रीजन भी है आगे बोलते हैं पॉइंट यस इन स्पाइट ऑफ ऑल हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी कि ये जो अबव ऊपर दिए हुए जो कॉजेस दिए हुए हैं सफरिंग्स और सोरोज के बोलते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल इन सब के बावजूद भी शेप आगे देखिए सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्प्रिट्स इन सब के बावजूद भी क्या कुछ शेप ऑफ ब्यूटी जो है मूव्स अवे कर देती है मूव्स अवे मीन रिमूव कर देती है किसको पॉल को पॉल का मतलब आप यहाँ पे कवर लगा सकते हो किसी तरीके का उस कवर को कवर कैसा डार्कनेस का जो कवर है कहाँ से हमारी डार्क स्पिरिट से डार्क स्पिरिट्स क्या होती हैं आप डार्क का मतलब यहाँ पे ये यह नहीं कि काला रंग ठीक है डार्क का मतलब क्या है सैड और स्पिरिट्स का मतलब सोल हमारी जो सैड सोल्स हैं वहां से उस पॉल को उस कवर को सैडनेस के उस कवर को रिमूव कर देती है जो कि इन सारी चीजों के बावजूद आता है किसके बावजूद आता है डेस्पॉन्डेंस के बावजूद ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर के बावजूद ग्लूमी डेज के बावजूद अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज के बावजूद जो सैडनेस आती है हमारी सैड स्पिरिट्स में हमारी सोल के अंदर जो दुख पैदा होता है उस सबको रिमूव कर देता है मूव्स अवे कर देता है क्या शेप ऑफ ब्यूटी सम शेप ऑफ ब्यूटी उसको रिमूव कर देता है आगे देखिए सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग आगे पॉइंट बोलते हैं जैसे कि हम लोग अगर उसकी बात करें नेचर की तो वहां पे सन है मून ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो स्प्राउटिंग अ शेडी बून ये क्या कर रहे हैं एक शेडी बून स्प्राउट कर रहे हैं स्प्राउट का मतलब होता है बच्चों स्प्रेड करना स्प्रेड का मतलब क्या होता है बखेरना ठीक है तो बखेर रहे हैं शेडी बून बून का मीन्स क्या होता है वरदान बून मीन्स वरदान ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सन मून ट्रीज ओल्ड हो चाहे यंग हो ये सब क्या कर रहे हैं अपने को वरदान दे रहे हैं हम लोगों को वरदान दे रहे हैं आगे देखिए फॉर सिंपल शीप और हम लोग को ही नहीं ये सिंपल शीप को भी क्या है एक वरदान की तरह है ऐसे नहीं कि तथास्तु बोल रहे हैं नहीं दे आर फॉर ऑल ये जो नेचर की चीजें हैं ये सभी के लिए हैं इवन इंक्लूडिंग अ सिंपल शीप के लिए भी हैं जो कि सिंपल एस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ है उसके लिए भी नेचर ने सेम चीज प्रोवाइड की हुई है आगे देखिए एंड सच आर डेफोडिल्स अब यहाँ पे लिस्टेड करते हैं वो नेचर की उन सारी चीजों को जो कि नेचर ने भगवान ने हमें प्रोवाइड कराई हैं उन सारी चीजों को पोइट जो हैं किड्स लिस्टेड करते हैं तो उनमें हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें थी ऊपर वाले स्टैंडा के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों इसलिए बता रही हूँ सन को यहाँ पे उन्होंने लिस्टेड किया है मून को किया है ट्रीज ओल्ड एंड यंग इनको किया है ठीक है और उसके अलावा वो आगे चलते हैं और बोलते हैं उसके अलावा वो करते हैं डेफोडिल्स को उसके अलावा वो करेंगे क्लियर रिल्स को और उसके अलावा अ मस्क रोज को तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने क्या की है नेचर की है और इनको यहाँ पे वो लिस्टेड डाउन करते हैं तो देखते हैं सच एंड सच आर डेफोडिल्स और ऐसे ही डेफोडिल्स के लिए भी वो बोलते हैं कि डेफोडिल्स भी क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन और ये डेफोडिल्स कहाँ रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं इट मीन डेफोडिल्स ऑलवेज ब्लूम्स इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट क्या होता है ग्रीन होता है तो ये भी क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी है एंड क्लियर रिल्स और डेफोडिल्स का, का काम सिर्फ खिलना ही ब्लूम करना नहीं होता डेफोडिल्स का जो फूल होता है इट गिवस हैप्पीनेस खुशी देता है सुंदर लगता है आंखों को अच्छा लगता है तो ये भी एक तरीके से क्या है हम लोग के लिए बोन है एक तरीके से वरदान है किसका नेचर का आगे देखिए विद द दे ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन ये हो गया एंड क्लियर रिल्स क्लियर रिल्स क्या है भाई रिल्स देखिए छोटी सी नदी धारा होती है जो कि जंगल के बीच में से बहती है बहुत बड़ी रिवर को हम लोग रिल्स नहीं कहते एक स्ट्रीम बोल सकते हैं इसको धारा बोल सकते हैं रिल्स को ठीक है तो रिल्स क्या हो गया एक पतली सी धारा ठीक है छोटी सी स्ट्रीम आगे देखो दैट फॉर दहमसेल्फ जो कि अपने आप को क्या करती है कूलिंग कवर्ट मेक एक कूलिंग कवर्ट बना लेती है यानी कि अगर ये यहां से बहरी है तो अपने आसपास तक के एरिए को क्या कर देती है कूल cool कर देती है उसको ठंडा कर देती है अब ठंडा किस चीज के लिए करेगी अगेंस्ट द हॉट सीजन किसके अगेंस्ट करेगी कि ये जो गेंस्ट वर्ड दिया है इसका मीनिंग क्या है अगेंस्ट जी ए आई एन एस टी गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हॉट सीजन यानी कि जब कभी भी समर होगा तो ये अपने उस अ ठंडे पानी से क्या करेगी आसपास के एरिए को भी कूल कर देगी किस क्या कर देगी क्लियर रिल्स जो कि रिल्स हैं वो कूल कर देंगे आगे देखिए द मिड फॉरेस्ट ब्रैक अब क्या पॉइंट बोलते हैं कि जो मिड फॉरेस्ट है यानी कि बिल्कुल बीचों बीच का जो जंगल है और वहां पे जो ब्रैक है ब्रैक मीन्स झाड़ी जो वहां पे जो झाड़ियां हैं ब्रैक का मीन मतलब क्या है बच्चों झाड़िया तो वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो झाड़ियाँ क्या करती हैं देखिए रिच वो कैसी हो गई है वो ब्रैक रिच हो गई है रिच का मतलब क्या होता है समृद्ध हो गई है परिपूर्ण हो गई है ठीक है समृद्ध हो गई है किस चीज से हो गई है विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स वहां पे जो मस्क रोज ब्लूम कर रहे हैं उनसे ये क्या हो गई है रिच हो गई है क्या मिड फॉरेस्ट की जो ब्रैक है मिड फॉरेस्ट की जो झाड़ी है वो मस्क रोज के ब्लूम करने की वजह से क्या हो गई है रिच हो गई है समृद्ध हो गई है बहुत सुंदर लगती है ठीक है आगे देखिए एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड और ऐसी ही जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो उस टाइम पे भी रही होगी जब हमारे जो माइटी डेड्स थे जिनके लिए हम ऐसी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारे जो माइटी डेड माइटी डेड कौन थे बहुत शक्तिशाली लोग जो जिन्होंने हु हुईस देयर लाइफ फॉर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री फॉर द पीपल जिन्होंने लोगों के लिए अपनी जान दे दी तो उन लोगों के लिए जिस तरीके की Uh, uh, grandeur, जिस तरीके का वैभव हम लोग क्या करते हैं इमेजिन करते हैं उस दिन जिस दिन जिस उनकी डेथ हुई होगी तो ये भी क्या है एक थिंग ऑफ ब्यूटी है ठीक है आगे देखिए ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड जो भी लवली टेल्स हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है मतलब वो भी तो हमें आनंद देती हैं ठीक है चीके? आगे देखो ऑल ये हो गया एन एंडलेस फाउंटेन ये जो लाइंस हैं एंडिंग लाइंस ये दोनों ही लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आगे पॉइंट बोलते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक ऑफ इमोर्टल ऑफ इमोर्टल ड्रिंक क्या है बच्चों इमोर्टल ड्रिंक नेचर की वो सारी चीजें हैं जो नेचर ने गॉड ने हमें प्रोवाइड कराई हैं तो उन इमोर्टल ड्रिंक्स का उन इमोर्टल ड्रिंक्स का जो एंडलेस फाउंटेन है वो पोरिंग होता रहता है ऑन टू अस हमारे ऊपर हमेशा वो फाउंटेन झड़ता रहता है गिरता रहता है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक कहाँ से हेवन के ब्रिंक से स्वर्ग के किनारे से और ब्रिंक का मतलब क्या होता है बच्चों किनारा होता है आगे देखो फिर से बता दे रही हूँ मैं इसका मीनिंग आपको बोलते हैं कि जो इमोर्टल ड्रिंक्स हैं इमोर्टल ड्रिंक क्या है नेचर है इमोर्टल ड्रिंक और उसका एंडलेस फाउंटेन हमारे ऊपर गिरता रहता है हेवन के ब्रिंक से स्वर्ग के किनारे से यानी कि ये जो नेचर है हमें पूरे तरीके से इंसर्कल्ड किए हुए है हमारी कोई भी एक्टिविटी विदाउट नेचर पॉसिबल नहीं है वी कांट लिव वी कांट लाइव विदाउट नेचर ठीक है आगे चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को आई होप कि ये पोएम आपको समझ आ गई होगी और नहीं आई है तो प्लीज एक बार और इसको अगर आप देखोगे तो समझ आ जाएगी इसके क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा नहीं कुछ है क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव फर्दर एंड लुक एट दैम लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोम पोएम में जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई हैं उनको बताइए है. uh, कौन कौन सी चीज़ें बताइए तो यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने बताई है सन बताया है मून बताया है ट्रीज बताए हैं और अब बताइए क्या बताया और यहाँ पे रिल्स बताई हैं है, है ना और यहाँ पे क्या बताए हैं मस्क रोज बताए हैं उन्होंने मस्क रोज़ भी बताए हैं और क्या बताया डेफोडिल्स बताए हैं है. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितनी सारी चीजें यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने बोली है ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन अब यहाँ पे पॉइंट पूछते हैं कि जो सफरिंग्स और पेन का जो कॉज है उन चीजों का नाम बताइए वो क्या है भाई हमने थिंग्स ऑफ ब्यूटी का नाम तो बता दिया लेकिन अब जो कॉजेज हैं सफरिंग्स और पेन का उन चीजों के नाम भी बताने हैं तो वो नाम क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेस्पोंडेंस स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस है देख लीजिए तो वो क्या क्या है देखिए आ, हमने पहले डि दि, किया था डिस्कस स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मैं सारी चीजें बता दूंगी यानी कि निराशा का जो द्वेष है वो है पहली चीज तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी इन डर्थ ऑफ नोबल नेचर है क्या है बच्चों इन डर्थ ऑफ नोबल नेचर है ठीक है तीसरा यहाँ पे हमने कहा था ओवर डार्कंड वेज हैं है ना ओवर डार्कंड वेज हैं चौथा ग्लूमी डेज हैं ग्लूमी डेज हैं पांचवा यहाँ पे था और क्या था एक चीज और थी वो देख लेते हैं चलिए ऊपर ये था यहाँ पे अनहेल्दी अनहेल्दी वेज ओवर डार्कंड वेज और अनहेल्दी वेज तो ये सारी जो चीजें थी ये क्या थी दो चीजें थी जो कि कॉजेज हैं किसका सफरिंग्स और सौरोज का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर वी आर रीथिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू तो यहाँ पे इस लाइन में पोइट जो कीट्स हैं वो बोलते हैं कि इसलिए हम लोग हर मॉर्निंग सुबह क्या कर रहे हैं रीडिंग कर रहे हैं फ्लारी बैंड का तो ये हम अपने को क्या सजेस्ट करती है ये लाइन तो ये लाइन जो है हमें किड्स के लिए पहले तो सजेस्ट करती है कि जो कीड्स है ना वो काफी सेंसुअस पॉइंट हैं और ही इज़ फैमिली अटैच टू द एंडलेस ब्यूटी ऑफ द अर्थ नेचर की जो एंडलेस ब्यूटी है वो उससे फामिली अटैच्ड हैं ठीक है और आगे भी आ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आ, वो क्या करते हैं एक लिंक फील करते हैं ठीक है द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज कॉन्स्टेंट एंड अनब्रोकन ये भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि जो इंसान का और नेचर का लिंक है वो कॉन्स्टेंट है और अनब्रोकन है है ना थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेत ऑफ ब्यूटीफुल फ्लार थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक रेत की तरह है जो कि हम बनाते रहते हैं किसके साथ में हेलो बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का थीम तो ये थीम क्या है उसके बाद हम लोग इसका मैसेज डिस्कस करेंगे मैसेज के बाद इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, है तो देखिए इसकी जो थीम है वो क्या है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो सोर्स है कॉन्स्टेंट जॉय का ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर एंड इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स इट आल्सो ऑल्सो द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज़ अ थेरापोटिक क्वालिटी अब ये थेरापोटिक क्वालिटी क्या होती है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दू ये लिखा हुआ है द एबिलिटी वन मिनट द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी को बोलते हैं थेरापोटिक क्वालिटी ठीक है तो ब्यूटी में वो क्वालिटी होती है कौन सी थेरापोटिक क्वालिटी यानी कि जिससे कि नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है हमारे अंदर से इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट अब ये रिमूव करने वाली नेगेटिविटी को रिमूव करने वाली ये थेरापोटिक क्वालिटी ब्यूटी की कोई किसी भी चीज़ में हो सकती है ऑब्जेक्ट में हो सकती है नेचर में हो सकती है टेल्स में हो सकती है एंड इवन नोवल डीड्स ऑफ आर एनसेस्टर्स जो कि हमने पोएम में पढ़ा है उनमें से किसी भी चीज़ में हो सकती है ठीक है आगे देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी वन मिनिट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम जॉन कीड्स आप इसको आगे भी एड कर सकते हो एंडीमियन से लिया ये मैंने पहले ही बोल दिया था एंड अ पोइटिक रोमांस एंडीमियन क्या है एक पॉइटिक रोमांस है विच इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड जो कि ये ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है बींग अ रोमांटिक पोइट जॉन किड्स टॉक्स अबाउट लव ब्यूटी एंड यूथ इन दिस पोयम यहाँ पे वो रोमांटिक पोइट है फिर भी वो नेचर के बारे में ट्रीज के बारे में और uh, ब्यूटी के बारे में इन सारी चीजों के बारे में भी बात करते हैं इनफैक्ट द पोयम रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स ब्यूटी यहाँ पे जो पोयम है उनका रिफ्लेक्शन दिखाती है किसके लिए ब्यूटी के लिए, लिए. सुंदरता के प्रति उनका जो वो सोचते हैं उनका जो एटीट्यूड है वो शो करती है आगे बोलते हैं द पोइट बिलीव दैट ब्यूटी इज अ ट्रांजेंट एंड गिव्स अस द सेम प्लेजर अगेन एंड अगेन ब्यूटी क्या है एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा आनंद देती रहती है वही चीज बार बार रिपीट होके आ रही है इट प्रोवाइड्स अस विद इटर्नल जॉय इटर का मतलब होता है नेवर एंडिंग जॉय वही चीज ब्यूटी ऑलवेज गिवस अस जॉय वही बात आ रही है वहां पर वर्ड्स को चेंज कर दे रहा है बस एंड नेवर फेड्स अवे और कभी फेड्स अवे नहीं होती है ब्यूटी ब्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ एंड हेल्प अस टू रिमेन हैप्पी एंड जॉयफुल इन इन दिस सैड मंडे एन वर्ल्ड सैड मंडेन वर्ल्ड में भी जो ब्यूटी होती है हमें हमेशा जॉयफुल रखती है अब इसका जो मैसेज है वो देख लेते हैं एक बार द conveys the द मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज joy एवर इट transcends टाइम यानी कि टाइम या को हटा देती है लेकिन टाइम के साथ कभी खुद कम नहीं होती है टाइम गुजरता रहता है इट विल नेवर फेड अवे कभी फेड अवे नहीं होती है ब्यूटी हैज द पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी एंड हेल्प अस टू सर्वाइव when देयर इज अ डर्थ ऑफ नोबल नेचर नोबल नेचर की डर्थ होती है नोबल नेचर्स की कमी होती है तब भी ये हमारे सर्वाइव करने में हेल्प करती है आगे देखिए और when वन इज सराउंडेड बाय एक तो जब जबकि नोबल नेचर्स की कमी हो तब When one is surrounded by evil, जब कोई से घिर जाता है तब भी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो उससे बाहर निकाल देती है इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट जो ब्यूटी होती है इम्पैक्ट होता है ऑन वंस हेल्थ जिस हर किसी की हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है यानी कि हेल्थ के लिए हेल्थ के बिहाव से भी जो ब्यूटी है वो इम्पोर्टेंट है आगे देखिए इट हेल्प वन गेट साउंड स्लीप साउंड स्लीप में हेल्प करती है क्या ब्यूटी Moreover, it highlights the fact that beauty is not only physical but also spiritual, and and seems to flow down from the heavens as an immortal drink. Beauty क्या है? Immortal drink की तरह heaven से flow down होता हुआ लगती है कि heaven से बह रही है, swarg से बह के ये हम लोग के पास तक आ रही है. And made for man और इंसान के लिए बनी है क्या? Beauty. अब beauty जैसा कि starting में हो गया कि beauty किसी भी चीज़ में हो सकती है, ये किसी object में हो सकती है, किसी भी दूस, आ, नेचर में हो सकती है नेचर टेल इवन द नोबल डीड्स ऑफ द एंसेस्टर्स किसी भी चीज़ में ब्यूटी हो सकती है और ये मेंटली स्पिरिचुअली और फिजिकली हमें वेल रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आगे हम लोग इसके थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस पे एक नजर डाल लेते हैं पोएम में कौन कौन से पोइट्रिक डिवाइसेस यूज हुए हैं सो दे आर वेरियस पोइट्रिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोय पहला मेटाफर uh, दूसरा एलिट्रेशन इमेजरी भी यहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे जो एलिट्रेशन है उसके थ्री पेयर्स यूज हुए हैं पूरी पोएम के अंदर नोबल एंड नेचर नोबल नेचर आपने देखा होगा नोबल नेचर आया है ड्रिंग द रिच साउंडिंग एन एन की साउंड से तो नोबल नेचर यहाँ पे आया है ठीक है दूसरा कूलिंग कॉवर्ट यहाँ पे ये कूलिंग कॉवर्ट की फॉर्म में भी एलिट्रेशन है एलिट्रेशन क्या होता है जब सेम लेटर की दो वर्ड्स के अंदर स्टार्टिंग में सेम लेटर साउंड होता है सेम लेटर का साउंड आता है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है उसके बाद जो थर्ड है वो कौन सा है वो बी वर्ड से है जैसे कि बैंड बाइंड ठीक है तो यहाँ पे ये क्या है तीसरा एलिट्रेशन का पेयर है आगे देख लीजिए मेटाफर भी है मेटाफर इज एविडेंटली यूज्ड एज बावर क्वाइट यहाँ पे इन वर्ड्स में मेटाफर यूज हुआ है स्वीट ड्रीम्स में हुआ है एंड रेडिंग अ फ्लारी बैंड यहाँ पे तीन जगह पे ही यहाँ पे हाँ चौथा इसमें यहाँ पे पॉल और एंडलेस फाउंटेन और ऑफ ड्रिंक की तरह भी ड्रिंक में भी यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है तो यहाँ पे बावर क्वाइट ठीक है बावर क्वाइट रीडिंग अ फ्लारी बैंड स्वीट ड्रीम्स एंड पॉल ऑफ पॉल ओवर द डार्क स्पिरिट्स एंड एनलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक यहाँ पे इन पाँचों में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर यूज़ हुआ है आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें